टीवी के साथ बदलते भारत की शान। जा रहा है हमारे यहाँ आपके सफेदों की तरह बीन नहीं कहते हैं, बीन को सरस्वती वो वीणा कहते हैं। बहुत पुरानी सी बीन है, वो पुरातन बीन है और उस बीन को बजाने में बहुत श्रम लगता है। और वो बीन कैसे बजा रहा है, वो बजाने वाले का बीन के बारे में नहीं बात कर रही है, वो बात कर रही है उसकी आवाज़ के बारे में, उसकी उंगलियों के बारे में। बोल रहे हैं कि उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है, उसकी उंगलियाँ इतने सुंदर है। अरे यार उसकी बीन तो देखो पहले। हो चिक्की नूरके नारी मनसु तलो, बेली नूरके नारी बेरगा दलो, बेली नूरके नारी बेरगा दलो। येलो जोगपन नर मारे, येलो जोगपन तल मारे, येलो जोगपन नर माने, येलो जोगपन तल माने, येलो जोगी से। तुम कहाँ से आए हो, कहाँ के बसे हो, तुम्हारा महल कहाँ है, मुझे भी थोड़ा बताओ, क्योंकि मैनु जाना जोगी देना। जोगी मैनू
जोगी आवे हाय जोगी जोगी जोगिया के अज कोई जोगी आवे 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 मिलने जाना जोगी रे नाल मिलने जाना जोगी रे नाल कन्ने मुंदरा पाके कन्ने मुंदरा पाके मथे दी तिलक लगा के नी मजाना जोगी दे नाल नी मजाना जोगी दे नाल नीना कन्ना गली ना कन्नूरी कानो जोगी अरे जब से तुम्हें देखा है ना मेरी आंखों में अजब सी जलन हो रही है नीना गजरा बन के आ जाओ मोगा की बारो तू रुबी गे मोगा की बारो तू रुबी गे येलो जोग पानी नर माने येलो जोग पानी तंड माने येलो जोग पानी नर माने येलो जोग पानी तंड माने येलो जोग पानी नर माने येलो जोग पानी तंड माने येलो जोग पानी तंड माने लोक संगीत की खूबी ही ऐसी है आप जहाँ कहीं भी जाए कुछ समानांतर आपको मिल जाता है उसका क्या बात है क्या बात है आपने तो एकदम चार चांद लगा दिया प्रोग्राम में फैंटास्टिक बहुत मजा आया बहुत अच्छा अनुरोध करना चाहेंगे आप थैंक यू स्वागत है आप सभी दर्शकों का इस संगीत के सबसे बड़ी महाचौपाल में अनु जी इला जी आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है उस्ताद जी है ना आप ऐसी हमेशा बात करते हैं जिसको सुनकर सभी को पसीना आ जाता है सच में हाँ तो डायरेक्टली रामैया जी के पास आता हूँ आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए आज की कसौटी कल तो बहुत टेंशन थी यहाँ पे हमें भी थोड़ा टेंशन दे दिया था कंटेस्टेंट्स ने तो इसलिए आज शाम को थोड़ा रविवार भी है तो थोड़ा रिलैक्स करते हैं सिर्फ गाने सुनते हैं उनके मनपसंद का और जो वो अपने बेस्ट कह के यहाँ पे परफॉर्म कर सके वैसे उनको पहले राउंड में उनको गाने के लिए छोड़ उनकी पसंद का ओके ओके बहुत बढ़िया तो दीक्षु उस्ताद जी खेला आगे बढ़ाए आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप कैसे हैं आप कैसे हैं आप जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप रविवार सुबह 10:05 पर आप इस सेगमेंट में इस राउंड में वो गीत रिपीट कर सकते हैं वो प्रस्तुति दोबारा गा सकते हैं जिसके बारे में गुजरे हुए टाइम पे आपको लगा कि वो उतना अच्छा नहीं कर पाए इसलिए हमारे क्रिएटिव टीम ने आपको एक और मौका दिया है अपने आप को बेहतर साबित करने का तो वो गीत कौन सा है राजा बाबू एक सुनाया था आप सभी को जो उस गाने में और भी मैं अच्छा करने का प्रयास करूंगा इस बार आप सबको अच्छा लगे इसके लिए मैं कोशिश करूंगा आज की शाम एलिमिनेशन की शाम है आज इन तीन में से कोई एक चला जाएगा जी सर ठीक है बहुत बड़ा चैलेंज है मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगे ऑल द बेस्ट थैंक यू सर बनवासी कोला
फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग टू दिस सॉन्ग. आपने बहुत अच्छा गाया, इट वॉज वेरी नाइस. आपकी आवाज़ ही ऐसी है, उसमें कोई भी भाव दे दे तो उसको डायरेक्ट दिल को छूने की एक शक्ति है उसमें. थैंक यू, वेरी नाइस. गाना आपने गलत नहीं गाया, थोड़ी जगह पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट है. झंडी आपको मैं हरी ही दूंगा, लेकिन ध्यान रहे इस हरी झंडी के अंदर मैंने दो पीली पट्टियाँ भी लगा रखी हैं. तो हरी झंडी है. थैंक यू सर. जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर. मुश्ताक साहब, तो आपको क्या लगता है कि आप किस गाने को ठीक तरीके से नहीं गा पाए? मैम, कमियों तो हमें बहुत हैं, आप गुरुजन हैं, अब अपनी कमियों तो खैर निकाल ही नहीं सकते, आप जब बैठे हुए हैं तो आप हैं निकालने वाले. अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कलाम गाया था मैंने, छाप तिलक सब छीन ली वो से नहीं मिला के, उसमें सन्ने कमेंट्स आपने भी सही दिए थे, मैं उसको थोड़ा और. सबसे पहले तो आदमी को खुद को ही पता पड़ जाता है जी, कमेंट आपको चाहे ग्रीन मिल जाए चाहे कोई सी भी झंडी में, आपके दिल में कहीं बात रहती है कि तालियां तो मिल गई, आज मैं वो नहीं कर पाया, है कि नहीं? कोशिश करता हूँ. ये ह्यूमिलिटी आपको बहुत बड़ा ऊंचाई पर ले जाएगी, और जेन्युइन ह्यूमिलिटी. कुछ लोग होते हैं जो फॉल्स ह्यूमिलिटी के होते हैं, नहीं, जेन्युइन. ना कछु किया न करी सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, भय कबीर कबीर. अपनी छव बनाई के सो में पी के पास गई, अपनी छव बनाई के सो में पी के
पास गई, जो जब देखी पीहू की सो अपनी भूल गई, छाप तिलक सब चीनी रे मौसे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मौसे नैना मिला के, नैना मिला के मौसे सेना चला के, नैना मिला के मौसे सेना चला के, छाप तिलक सब चीनी रे मौसे नैना मिला के, छाप तिलक सब चीनी रे मौसे नैना मिला के, मौसे नैना मिला के, मौसे नैना मिला के, मौसे नैना कंकड़ी पड़त नैन में नैन होत बेचैन, आ कनक कंकड़ी पड़त नैन में नैन होत बेचैन, अरे उन नैनन को चैन कहाँ, अरे जिन नैनन में नैन मोसे नैना मिला के मोसे नैना मिला के मोसे नैना मिला के मोसे नैना मिला के मोसे, प्रेम भटी का मदवा पिला के, प्रेम भटी का मदवा पिला के, मोहे मदवा पिला के, मोहे मदवा पिला के, मोहे मदवा पिला के, प्रेम भटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दी तेरे मोसे नैना मिला के, मतवारी कर दी तेरे मोसे नैना मिला के, मतवारी कर दी तेरे मोसे नैना मिला। हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया, हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया, हे बाकी गोरी गोरी मैया, बाकी गोरी गोरी मैया, बाकी गोरी गोरी मैया, बाकी हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी मैया, मैया पकड़ हरी ली नीरे मोसे नैना मिला के, मैया पकड़ हरी ली नीरे मोसे नैना मिला, आए मोसे नैना मिला के, मोसे नैना मिला, आए मोसे नैना मिला के, मोसे नैना खुश हुआ। बहुत अच्छा गाना ये आपने आज गा करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि शर्त ये थी कि जो आपको लगा हो कि थोड़ा सा आपकी नज़र में या आपके जजेस की नज़र में थोड़ा सा कहीं चूक हो गई हो, तो उसको आप आज बड़े खुलूस के साथ आपने गाया। कई लोग सिर्फ गाते हैं और कई लोग, उनमें से कई लोग गवैया होते हैं जो अपने मस्त में अपने अपने लिए गाते हैं। आज मैंने वो गवैया आप में देखा है। आई कुड सी दैट, बहुत अच्छा गाया आपने। करम नवाज, शुक्रिया। अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, सो मैं पी के पास गई नहीं, अपनी छब बना के सो में पी के पास गई, अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, जब छब देखी पीहू की सो मैं अपनी भूल गई। उसका मतलब ही नहीं बनता है। एक तो ये करेक्शन करना था आपको, दूसरी बात ये है कि गाना सही था, सुर सही लगाते हो, ताल सही थी, लेकिन फिर भी बेसिक जो लय आपको मेरे हिसाब से थोड़ी कम और दबा के रखनी चाहिए थी, ताकि जब लय की बढ़त होती तो वो आपके काबू में होती और रस की उत्पत्ति होती। तो मुझे लगता है ये फॉल्ट हो गया। झंडी आपको हरी दूंगा मैं। ये जो पकड़ रहे हैं उसको आप ध्यान रखिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। क्योंकि इनकी जो एडवाइस है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, कि सिर्फ आपको टोकना ही इनकी आदत, तो ऐसी बात है। बिल्कुल रख रहे हैं,
क्योंकि हमारे बड़े हैं और ये जो भी बता रहा है वो हमारे लिए काम भी आने वाले। और ये जितने सालों से और जितना जो रास्ता तय करके आए ना, उसमें भैया इनकी बातें सुन ली जाए और ध्यान में रखी जाए, वो ठीक है। थैंक यू। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। बंजारा जो गाना मैंने आपको सुनाया था, हाँ, उस पर मुझे अच्छे कमेंट्स भी मिले थे और मुझे वाह वाही मिली थी आपके द्वारा, तो मैं वापस वही सुना रहा हूँ। तो इसकी वजह क्या है कि आपको खुद को लगा कि वाह वाही थोड़ी और मिल सकती थी, या मन में ये लगा कि जो जैसा मैं गा सकता था वैसे मैं गा को नहीं पाई हूँ, थोड़ा सा उसको अच्छा कर सकता हूँ और भी मुझे भी खुद को अच्छा लग रहा था इसलिए मैं। बन जा रहा, बन जा रहा रे, बन जा रहा, बन जा रहा रे, बन जा सुर, सही ताल, सही भाव, सही रस, इसलिए बिल्कुल शुद्ध हरी झंडी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि इट कीप्स रिंगिंग यू नो बुद्धिस्ट बेल्स एक बार ऐसे हिला के रख दिया तो वो ऐसा आता रहता है. थैंक यू मैम. ऐसा है आपकी आवाज़. अमेजिंग वॉइस है. ये फुल थ्रोट सिंगिंग जो है ना सिर्फ फोक में ही हो सकता है मेरे हिसाब से. एक चूक रह गई बता दूं. आज छोटा गाया इतना अच्छा गाया था थोड़ा और गाते रहते और बढ़िया. सहेजे कण कण को सुंदर दे रूप रंग आकार स्वस्थ जीवन रहे जमी पर इंद्रधनुष हो साकार. देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर. तो आप सभी का फिर से स्वागत है फोक स्टार्स माटी के लाल के मंच पर. जजेस राउंड शुरू होने वाला है तो इस राउंड में और भी बढ़ने वाले हैं चुनौती जी क्योंकि अभी जजेस का पसंद का गाना उन लोगों को गाना पड़ेगा है ना जी. तो हम लोग अभी बुलाएंगे बिहार के बलवीर आलोक पांडे जी को. आलोक जी. जी मैम. जब मंजिल इतनी करीब हो तो यू शुड नॉट टेक टू मच ऑफ रिस्क है ना. तो इन दिस सिचुएशन अगर आप हमारी चॉइस पूछेंगे तो कोई कृष्ण जी का कन्हैया जी का कुछ गाना आप गा सकते हो. जी मैम बिल्कुल मैं कोशिश कर सकता हूँ. आप बहुत सोच विचार करके हाँ जी मैम कह रहे तो मुझे लग रहा है कि कोई और ऑप्शन चाहिए आपको. कोई अगर दूसरा ऑप्शन भी मिले तो मैं दूसरे गीत सुना. जो कृष्ण जी का गाना वो है थोड़ा लिरिक्स हमारा उसका. अच्छा जरूर जरूर. इस जमाने में ना जिसमें हमारी बल है उसे और बलवान बनाने की कोशिश करनी चाहिए. वीकनेसेस तो हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे. तो एक काम करते हैं आपकी आवाज़ में विरह के गीत बहुत अच्छी तरह से आती है तो आपकी आवाज़ हमें भी अपनी किसी की याद आ जाए गाएंगे विरह गीत. जरूर जरूर कोशिश. थैंक यू. रेलिया बैरन बिया को लिए जाए रे हाय रेलिया बैरन. रेलिया बैरन बिया को लिए जाए रे रेलिया बैरन. रेलिया बैरन बिया को लिए जाए रे. रेलिया बैरन बिया को लिए जाए रे. रेलिया बैरन बिया को लिए जाए रे हाय रेलिया बैरन. रेलिया बैरन बिया को लिए जाए रे हाय रेलिया बैरन. जौने टिकसवा से सैया मुर जाए है हो. जौने टिकसवा से पिया मुर जाए है. पिया मुर जाए है हो सैया मुर जाए है. जौने टिकसवा से पिया मोर जई है हो. आगे लागो टिकट जरी जाए रे हाय. आगे लागो टिकट जरी जाए रे हाय. रेलिया बैरन. रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे हाय.
आपने गाना तो जबरदस्त पूछ लिया। उस जमाने में क्या मोहब्बत क्या लिखते थे गाने के, रलिया बैरन पिया को ले जा रहे, और ऐसे टिकस में आगी लागे, ठीक है ना, जो जिसकी वजह से वो जा रहे, वाह वाह क्या बात, ये भोलापन, वाह 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 बहुत अच्छा। रेलगाड़ी का गाना है मैं ना दूं, मुझे लगता है कि आज से आपकी गाड़ी निकल पड़ी। थैंक यू मैम, थैंक यू। उसकी जो भाव है मुझे इतनी अच्छी, आप सुन ही रहे मेरी हिंदी तो, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी वो समझ आ सके आपने ऐसा गाया, इट्स रियली फैंटास्टिक। थैंक यू मैम। झंडी दिखाना बहुत जरूरी है, ग्रीन झंडी है। थैंक यू सर। और आपको मालूम है आपकी आवाज की स्पेशलिटी क्या है, मुझे बताइए, मुझे बताओ ना आप। अच्छा, मेहंदी हसन को आपने सुना है जी, क्या क्वालिटी है उनकी, सुकून बहुत। अब आए ना सही लाइफ में, तो आपकी आवाज की क्वालिटी वही है, सुकून। थैंक यू सर। वो छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी मुर्कियां, इन चीजों को कभी हाथ से जाने मत देना, वही तुम्हारा असेट है। जरूर सर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की, कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। कहता भाई जी, आज एलिमिनेशन राउंड है जी, और जजेस राउंड भी चल रहा है, और अभी अभी आलोक पांडे जी बहुत खूब गा के गए हैं, और इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे रोजे खान को। भैया रोजे खान जी, आज तो आपको मंच मिल गया है जी, टेलीविजन का एक शो मिल गया है जी, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो पहले आप किन के सामने पर प्रदर्शन किया करते, गांव की चौपालों पे गाया करते थे, खुद के लिए गाया करते थे, जमींदारों के लिए गाया करते थे, किन के लिए गाया करते थे जी? लंगा एंड मांगनियार्स जी, दो कम्युनिटी हैं एक्चुअली। मांगनियार कम्युनिटी रॉयल फैमिली के यहाँ गाती थी पहले, राजा महाराजाओं के यहाँ, और आज भी उनके आगे गाते हैं। तो आपको कोई ऐसी कंपोजिशन याद है जो आपके पूर्वजों ने या आपके पुरखों ने कभी जैसलमेर के राजा के सामने गाई हो? जी हाँ बिल्कुल, मुझे याद है। कौन सी कंपोजिशन है, सुनाइए। उन्होंने जैसलमेर महाराजा के ऊपर बनाया था, अमर रहो जैसाने राज गिरधर के प्यारे लाल। आपके हिसाब से कंपोजिशन कितनी पुरानी होगी? ये 600 साल में भी 600 साल पुरानी होगी। क्या बात है, सुनाइए लाला इत्र। तू हमारो ज्ञान ध्यान, तू हमारो जीवन प्राण,
प्राण प्रजा के प्राणनाथ ओ हो प्रजा के प्राणनाथ अखियन के तारे अमर रहो जे सण राज गिरधर के प्यारे अमर रहो जे सण राज गिरधर के प्यारे ला पर छत्र चाज द्वार द्वार नौवत बाजे घनन घनन घन 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 घनन 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 घोर घनन 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 घोर इंद्र के नगारे अमर रवो जे सण राज गिरधर के प्यारे सण राज गिरधर के प्यारे अमर रहो जे सण राज गिरधर के प्यारे ला बहुत अच्छा लगा ये बताओ कि सारे मांगनिया सिर्फ जैसलमेर के राजा जी पे ही गाते हैं या जोधपुर वाले कुछ मांगनिया जोधपुर के महाराजा के लिए अलग गाते हैं ये सब अलग अलग हैं जैसलमेर दरबार के अलग हैं जोधपुर महाराजा गजे सिंह जी बापू के अलग हैं बीकानेर दरबार साहब के अलग हैं ऐसे अलग अलग हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरी गुरुजी एक भजन सिखाए थे मेरे को नाम जपन क्यों छोड़ दिया झूठ ना छोड़ा क्रोध ना छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया नाम जपन क्यों इट मेड मी फील सो नॉस्टैल्जिक आपके वो राग के भाव जो है ना इतने अच्छे उभर आ रहे थे और हमारे यहाँ कहते हैं कि राजा प्रत्यक्ष देवता जी आप अपने राजा के बारे में गा रहे थे मुझे भगवान याद आ गया जी जी हरी झंडी है आपके लिए बहुत अच्छा गाते हैं आप इसमें कोई शक ही नहीं है और डेफिनेटली एक बात तो पक्की है कि फोक से क्लासिकल राग का उद्भव हुआ है ना कि अदर वे राउंड थैंक यू सर माटी के लाल जजेस राउंड में अब तक हो चुके हैं दो परफॉर्मेंस और आज एलिमिनेशन की भी शाम है इनमें से किसी एक को जाना होगा अपने घर और बाकी दो पहुंचेंगे हमारे साथ फाइनल में आठ के अखाड़े में तो आइए बुलाते हैं मुश्ताक अली को और इला जी आप मुश्ताक भाई से क्या सुनना चाहेंगे मुश्ताक साहब मुझे बताइए कि सबसे पहले आपने कब गाना शुरू किया और कौन सी दरगाह में गाना गाया और याद है आपको कि क्या गाया था किन के साथ गाया था बचपन से सीना बसीना बाप दादा से चला रहा है ये काम और अभी तक चले आ रहे अब ऐसे याद नहीं है मैं कहाँ गाया था पहले ये याद नहीं सिलसिला चलते पर किसी खास दरगाह पर बैठकर गाने का आपको शौक रहा हुजूर गरीब नवाज मैं कौन सा ऐसा पूछूं कि जो आपको याद हो ऐसी पोशाक पहनी मेरी यार ने जी मैम ये कोशिश करूँ ये गाएंगे आप बिल्कुल मैम इंशाल्लाह क्योंकि मैंने एक बार सुनी और आप ही के घराने से सुनी और मुझे बहुत अच्छी लगी उसके बाद ना अब तक कहीं पनाह मिली मता
आए कौन मका भी मिले तो टुकरा दूं। ये कम नहीं कि मुझे तेरी बारगाह मिली ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहनाई है ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहनाई है ऐसी पोशाक ऐसी पोशाक ऐसी पोशाक ऐसी पोशाक पहनाया मेरे यार ने ऐसा लिबास है मेरे आस पास है देखो ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहनाई है ऐसी पोशाक मेरे यार ने ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहनाई है जर्रे जर्रे में तेरी जर्रे जर्रे में तेरी शक्ल नजर आई है जर्रे जर्रे वो जाने जाना ओ जाने जाना जर्रे जर्रे में तेरी शक्ल नजर आई है आए इंतहाए शोक ये क्या कह गया हूँ मैं पूरा न हुआ कौन सा काम तेरी साथ से पूरा न हुआ तेरी निस्बत तेरी निस्बत तेरी निस्बत मेरे हर हाल में काम आई है तेरे वो जाने जाना तेरे किसे जाने जाना तेरी वो जाने जाना तेरी किस वो जाने जाना ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहनाई है ऐसी पोशाक मेरे यार ने पहनाई वेदा सुल्लाद्रु गादे सुल्ला गला कभी कभार वेदों में लिखे हुए कुछ पंक्तियां झूठ भी हो सकती है लेकिन जो जिंदगी के इस सफ़र में मिले हुए अनुभव से लिखा हुआ मुहावरा होता है ना वो कभी झूठ नहीं पड़ता ऐसे कुछ वेरी रिच हेरिटेज और कल्चर कनाडा के जो है आप ये सूफी गाने इतने अच्छे गा रहे हैं इट जस्ट टुक मी बैक टू दैट मुझे लगा कि अगर आपकी आवाज़ में ये कन्नड़ गाने आए तो कैसे लगेगा It was fantastic. It was so good, soul touching. Really. Thank you so much. जब कवाली होती है तो मैं ऐसे जुनून में पहुंच जाती हूं कि ये भूल जाती हूं कि कौन सी चीज़ कहां पे कही गई अब वहां की पीढ़ीज को इस फॉर्म को और आगे लेके चल रही तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आगे आप बहुत बढ़ें यही मेरा कहना है झंडी मैं भी हरी दे रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगा आपको मैं गौर से आपकी परफॉर्मेंसेस को देख रहा हूँ आप कंक्लूड करना सीखो एक फिनिशिंग किसी भी कंपोजिशन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो सुर है ताल है अदाकारी है लयकारी फिनिशिंग एक चीज की होती है उसका ध्यान रखो हरी झंडी तो दे दी ऑल द बेस्ट का घर आंगन हरियाली से खिलेगा तन मन छत पर छोटी सी बगिया जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे ओ स्टार्स
तो प्रिय मित्रों, इस तरह से फोक स्टार माटी के लाल का एक सेगमेंट, एक दौर कंपटीशन समाप्त होता है। आज की बारी है जहां हमारे माननीय जज एक एक करके बुलाएंगे। आए रोजे खान, मुश्ताक अली और आलोक पांडे। कार्ड लेके जाएं और वो नाम लिखें जिसे आप भारी हृदय से आज विदा करना चाहें। ये लीजिए। देखिए ना, समय ऐसी चीज होती है कि कुछ भी रोक ले, अब समय नहीं रुकता। हमने ये जो खेल खेल रहे हैं, आठ का अखाड़ा, इसकी ये सेकंड ग्रुप था और कुल मिला के 14 लोगों में से हमारे हाथ में लग रहे हैं 4 हीरे या माटी के लाल। 2 तो हमारे साथ ही हैं। आइए चलिए हम लोग आए। जनों को नाम देने थे और 3 जनों ने अपने हिसाब से और शायद जजेस के कमेंट को दिमाग में रखते हुए, जिसको मुझे कहना पड़ रहा है जाने के लिए, फिर जो मुझे बहुत अच्छे भी लगे थे वो है मुश्ताक अली साहब। आपको जाना पड़ेगा, पर बहुत अच्छा आपने गाया। पर यही जिसको कहते हैं कि लिखा था कि आपको जाना पड़ेगा, पर आप अपनी बहुत अच्छी छाप छोड़ के जा रहे हो। आलोक पांडे और रोजे नमस्कार, खमागणी, शुक्रिया। सबसे पहले मैं डीडी किसान चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेहरबानी, जिन्होंने दुनिया में ये सबसे पहला रियलिटी शो है जो फोक के गायकी को तवज्जो दिया गया और लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, और ये हमारे फोक सॉन्ग वालों के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। मैं सबसे पहले तो हमारे जो देख रहे हैं दर्शक सभी लोगों को मैं प्रणाम करूंगा। गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी हम अपनी फोक को ऐसे ही मजबूती से प्रस्तुति देने का कोशिश करूँगा। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू।